8 रुपए में मिल रहे खाने के साथ क्या कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है? इसी का जायजा लेने के लिए और खाने की गुणवत्ता को परखने के लिए बाड़मेर के जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित आज बाड़मेर के पीजी कॉलेज जहां पर इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया और वहां पर मिल रहे 8 रुपए के भोजन का भी स्वाद चखा। बाड़मेर के पीजी कॉलेज की इस वक्त हम हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर बाड़मेर के नए नियुक्त जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित जहाँ पर भोजन करने के लिए उसी टेबल पर बैठ गए जहाँ आम लोग बैठते हैं और करीब 30 सेकंड तक भोजन का इंतजार करते रहे। उसके बाद में भोजन पहुंचा और आप देख पा रहे हैं उन्हीं लोगों के साथ में बाड़मेर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित बैठकर भोजन कर रहे हैं, उस भोजन की गुणवत्ता को परख रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या 8 रुपए में इंदिरा रसोई में मिल रहे भोजन के साथ किसी लोगों के साथ या किसी गरीब व्यक्तियों के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है, क्या इस भोजन के अंदर कोई गलत भोजन या फिर अन्य जो गुणवत्ता है कम क्वालिटी की गुणवत्ता, वो बाड़मेर के जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित आज बाड़मेर के पीजी कॉलेज इंदिरा रसोई पहुँचे और खाने की गुणवत्ता को चेक कर रहे हैं। इस वक्त हम हमारे दर्शकों को बाड़मेर के पीजी कॉलेज की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बाड़मेर के नए नियुक्त जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित 8 रुपए में भोजन करने के लिए पहुंचे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे तमाम दर्शक इस वक्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार शेयर कर दें और भोजन करने के बाद जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित का क्या कहना है, जरा आप आगे इस वीडियो में सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इंदिरा रसोई जो यहाँ जो बाड़मेर में चल रही है सिटी में, उसमें से एक रसोई पे आज निरीक्षण भी किया, यहाँ खाना भी खाया। खाने की क्वालिटी यहाँ अच्छी है, जैसा लोग बता रहे हैं यहाँ पे लगभग 90 लोग प्रतिदिन सुबह और लगभग 70-80 बच्चे जो हैं शाम को खाना खाते हैं। अभी क्योंकि परीक्षाएं चल रही कॉलेज की तो इसलिए थोड़ा नंबर इस समय कम है, लेकिन इसका यहाँ आने का उद्देश्य, इसको देखने का उद्देश्य मूल रूप से ये है कि एक तो राजस्थान सरकार की माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजना है। इस योजना का प्रचार प्रसार हो, लोगों में इसकी जानकारी पहुँचे और जो संचालक हैं वो भी इस चीज़ के लिए इसके अपने संचालन को करने में उत्साह महसूस करें। इसलिए मैंने भी यहाँ आज खाना खाया और हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे। मैं जहाँ संभव होगा मैं स्वयं भी जाऊँगा, हमारे अधिकारी भी समय समय पर इसको अटेंड करें और वहाँ खुद भी खाना खाएं ताकि इनका भी एक उत्साहवर्धन हो, इनमें एक इनका मनोबल बढ़े। और साथ ही जो लोग मामाशाह हैं या जिनके भी परिवार में कोई भी किसी प्रकार का कोई उत्सव या कुछ हो, तो मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि यहाँ अपनी तरफ से इस अपनी तरफ से डोनेट करें, अपनी तरफ से लोगों को खाना खिलाएं जो ज़रूरत बने उनके लिए, और वो ना भी करें तो उस फूड को और इम्प्रूव करने के लिए चाहे अपनी तरफ से अच्छा, अगर कोई आपका जन्मदिन है कुछ और है तो आप केक दें, मिठाई खिलाएं, तो उससे एक आपको एक सोसाइटी का, सभी लोगों का, समाज में लोगों का आपसी समन्वय होता है, आपसी जुड़ाव होता है लोगों का। और एक सरकारी व्यवस्था है जहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी क्या कहना चाहिए, किसी भी तरह की कोई ऐसी कोई मतलब गलती होने की या किसी प्रकार की इस तरह की कोई चीज़ होने की जिसमें ये पैसा वेस्ट हो जाए या इसका कोई गलत यूज़ हो जाए, ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो इसके लिए भी लोग यदि यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ करेंगे तो इससे बढ़ के कोई काम नहीं हो सकता। तो हमारा मूल उद्देश्य ये रहेगा कि योजना का प्रचार प्रसार करें और योजना के बारे में लोग जो है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो सभी जिनकी भी है वो आए यहाँ के खाना खाएं। और आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई योजना शुरू होने जा रही है, तो उसको भी साथ साथ हम इसका भी निरीक्षण करते रहेंगे, लोगों को मैं बात करते रहेंगे ताकि वो भी जिस प्रकार से शहरी इंदिरा रसोई योजना प्रचलित हुई है उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका प्रचार प्रसार। थैंक यू।